सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मुंह में जबान सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं। खामोश रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलतियाँ जीवन का एक हिस्सा है पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हमेशा याद रखें, आप ही अपनी पहचान बना सकते हैं और आप ही अपनी पहचान बिगाड़ सकते हैं। आज का पंचांग 12 मई 2021 दिन बुधवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 3:06 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 2:40 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2:01 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 6:18 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 12 मई 2021 दिन बुधवार, रिश्ते में अगला कदम उठाने के लिए यह एक अच्छा समय है। विवाह या कानूनी प्रतिबद्धताओं का योग है। बैठकों के लिए अनुबंधों का विश्लेषण करने और नई योजना बनाने की आवश्यकता होगी। घर पर मामलों को नजरअंदाज ना करें। परिवार खासकर दीदी या दादी जैसे किसी स्त्री के लिए समय निकालें। शांत रहकर आप आज पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपके अंदर का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा। प्रियजनों का साथ सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। आज आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। किसी समाज सेवी संस्था के प्रति सहयोग की भावना प्रबल होगी और ऐसा करने से आपको मानसिक और आत्मिक सुकून भी मिलेगा। आपको आज हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पैसों की आवक अचानक ही बढ़ेगी। मनचाहे व्यक्ति के साथ अचानक मुलाकात होने के कारण भी आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। आपके अंदर की सकारात्मक और आपकी प्रगति देख पार्टनर के लोगों को भी खुशी प्राप्त होगी। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा आज प्राप्त होगा। पार्टनर और रिलेशनशिप के कारण जीवन संबंधी सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होगा। अपने कार्य संबंधित प्राथमिकताएं तय कर लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। अपने समय का सही उपयोग करें। कमर दर्द दुखी कर सकता है। विशेष कार्य में सफलता का योग है। धार्मिक क्रियाकलापों में भागीदारी कर सकते हैं। धीरज के साथ हर काम करें। साक्षात्कार संबंधित मामले में अनुकूलता रह सकती है। मित्रों के साथ नया काम शुरू कर सकते हैं। खास लोगों से भेंट सुख दे सकती है। समानता आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आज के दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं। इसलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें। सावधानियां, इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई आपका नजदीकी रिश्तेदार अथवा मित्र जलन की भावना से आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसे सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर कोई करीबी मित्र आप में दिलचस्पी दिखाए या फ्लर्ट करे तो हैरान ना हो क्योंकि आपका आकर्षण है ही कुछ ऐसा। अभी धन से जुड़े मामलों को अपनी रोमांस से दूर रखें।
आप अपने माता पिता के नजदीक महसूस करेंगे। इसके साथ ही प्रेम के रिश्तों में अंतरंगता में भी बढ़ोतरी होगी। आपको अपने पार्टनर से एक सरप्राइज मिल सकता है। अपने लव लाइफ के प्रति अस्वस्थ रहें, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है और यही विश्वास आपके जीवन को स्वर्ग बनाएगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने से पारिवारिक व्यवस्था कुछ अस्त व्यस्त भी हो सकती है। आपको उन्हें सहयोग देना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा। जटिलताएं आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण भी रखना होगा, क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत है, जो कि तनाव के चलते कहीं दब सा गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना अब बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं करियर की। यह समय अपने कार्य क्षेत्र को दिशा या बदलाव देने का उचित समय है। कुछ समय से आप अस्थिरता को महसूस कर रहे हैं। नए और जोश भर देने वाले अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आपको आशावादी रहकर उन्हें पकड़ना है। यह आपके कार्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगा और आगे जाकर आपके कार्य क्षेत्र संबंधी समस्याओं का निराकरण करने में मदद करेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। आप धन के नुकसान के कारण हताश भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। नई योजनाएं बनाकर फिर से नई ऊर्जा के साथ प्रयास करें। नए वातावरण में भी काम करने का मौका मिल सकता है। कुछ बड़ा सोचें व करें, क्योंकि भाग्य आज आपके साथ है। आज मामूली मुद्दों में उलझने से बचें और लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। अपने ग्राहकों को पर्याप्त सेवा प्रदान करें, ताकि आपका व्यवसाय बढ़े। बिजनेस में लाभ बढ़ाने और को पूरा करने के लिए योजना बनाएं और लक्ष्य निर्धारित करें। आशा पाएंगे कि आपकी उत्पादकता बढ़िया है और आप हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। व्यापार में आर्थिक मामलों पर और अधिक मनन व चिंतन करने की भी जरूरत है। साथ ही अपने कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करें। अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी न आने दें। बात करते हैं सेहत की। आज ज्यादा काम की वजह से थकावट पूरे दिन बनी रहेगी। अपने आप को ब्रेक दें। डॉक्टरों नर्सों के लिए मुश्किलों का समय भी चल सकता है। वे बहुत थके महसूस करेंगे। आपको पता है कि आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना आप आज आराम करें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।